हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूँ नारायण पटेल, आपके अपने चैनल पर। आज हम यहाँ पर बात करेंगे सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा 2023 गणित का मॉडल पेपर। इसमें मैंने 15 प्रश्न कराए थे, उसके बाद मैं आगे के प्रश्न लेकर के आया हूँ। आप उन्हें मेरे साथ प्रैक्टिस करिए। हालांकि सैनिक स्कूल में एक जैसे तो प्रश्न नहीं आते, लेकिन जिन टॉपिकों से प्रश्न आते हैं उन सब टॉपिक को मैंने यहाँ पर कवर किया। तो आइए फटाफट शुरू करते हैं। अगला देखिए प्रश्न है हमारे पास, 30 से 40 तक सभी संख्याएं अभाज्य संख्याओं का औसत। तो अभाज्य संख्या क्या होती है? जो अपने से विभक्त हो और एक से। तो यहाँ पर 30 और 40 के बीच कौन कौन संख्या? दो संख्याएं होंगी, 31 और दूसरी 37। इसके अलावा सभी संख्याएं भाज्य हैं। तो चूंकि यहाँ पूछा गया औसत, तो औसत यानी एवरेज की बात करता है। तो एवरेज हो गया हमारी दोनों संख्याओं को जोड़ दें, दो संख्या दो से भाग कर देंगे, तो इससे हमारी दोनों संख्याओं का एवरेज निकल आएगा। तो ये देखिए 68/2, दो एकम दो, दो तिहाई 6, दो चौके 8 यानी 34, यानी पहला वाला उत्तर सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, यदि किसी वस्तु को 250 रुपये में बेचने पर 25 रुपये का लाभ होता हो तो प्रतिशत लाभ क्या होगा? अब देखिए यहाँ पर ये आपको विक्रय मूल्य दिया गया है और ये आपको लाभ दिया गया है। बच्चों क्या दिया गया? लाभ। अब आप यहाँ से देखिए, अगर मैं इसमें से 25 घटा देता हूँ तो यहाँ पर क्रय मूल्य निकल आएगा। तो यहाँ पर हमारा जो क्रय मूल्य है 250 में से 25 घटाएंगे तो 225 आ जाएगा। ठीक है, 225 और आपका जो लाभ है वो 25 रुपये है। तो प्रतिशत लाभ बराबर होता है लाभ इंटू 100 बटे क्रय मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य। तो यहाँ पर लाभ है 25 रुपये इंटू 100 बटे आपका 225 रुपये क्रय मूल्य निकला है। ठीक, 25 एकम 25 और 25 इसको काट दें, 25 नवैया यानी हो गया 100 बटे 9। भाग करेंगे, 9 एकम 9, 9 एकम 9, एक बचेगा, 1/9 प्रतिशत यानी 11 सही, 1/9 प्रतिशत यानी ऑप्शन दूसरा वाला सही है। अगला प्रश्न है, 12 आदमी मिलकर एक बांध को 20 दिन में बनाते हैं, उस बांध को 4 दिन में कितने आदमी बनाएंगे? इसके लिए फार्मूला M1, मतलब इसके लिए फार्मूला याद कर लें, M1D1/W1 = M2D2/W2। मतलब M1 मैन है, ये दिन है, काम कितना है? तो पहले काम था 12 आदमी थे, 20 दिन में काम किए, काम एक ही बनाना है, उसी काम को बनाने के लिए आपको कितने आदमी चाहिए, जबकि 4 आदमी आपने लगाया है। बस इसको हम हल कर देंगे तो अब ये हमारा आ जाएगा 4M2 = 12 × 20। तो M2 = हो जाएगा 4 × 4 = 4 × 5 = 20, तो 12 × 5 = 60 यानी आपको 60 व्यक्ति वहाँ पर लगाने होंगे। तो देखिए 60 यहाँ पर आंसर आ रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, 3 लड़कों की औसत आयु, औसत नहीं है ये कुल है, कुल उम्र 48 वर्ष है, उनकी उम्र 3:5:4 के अनुपात में हो तो सबसे छोटे लड़के की उम्र क्या होगी? तो जिसका अनुपात कम होता है उसकी उम्र भी सबसे कम होती है। तो हम पहले लड़के की उम्र मान लेते हैं 3x छोटे लड़के की, और उससे जो बड़ा है उसकी है 5x + 4x, इनको मिला के टोटल हो गया 48 वर्ष। सबको जोड़ देंगे तो 12x आ जाएगा, बराबर 48 है। तो यहाँ से x बराबर 48/12, 12 × 12, 12 × 48 यानी x = 4। तो चूंकि छोटे बच्चे की उम्र थी हमारी 3x, तो 3 × x की वैल्यू 4 निकली, तो 4 × 3 = 12 यानी सबसे छोटे बच्चे की उम्र हमारी 12 वर्ष होगी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, यदि A/B = 1:3 और B/C = इतना हो तो A/C क्या होगा? तो आप यहाँ पर क्या करिए, देखिए A/B आपको दिया है 1/3 और B/C दिया है
2/5। तो ए अनुपात सी पूछ रहा, अगर मैं अनुपातों को गुणा कर देता हूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ए अनुपात बी अब गुणित बी अनुपात सी बराबर 1/3 × 2/5। बी भी कट जाएगा तो ऊपर बचेगा हमारा ये ए बटे सी बराबर 2 × 2/5 = 15। तो इसका मतलब इसकी उम्र हो जाएगी ए अनुपात जो सी है सॉरी इसका अनुपात आ जाएगा 2:15। 2:15 आपका ऑप्शन दूसरे दो में दिया गया है। 2.5 का समतुल्य भिन्न, तो पहले 2.5 को अगर मैं डेसिमल हटाऊं तो डेसिमल के नीचे एक और एक अंक आ गया, जीरो बढ़ा लेंगे। अब इसको हम हट काट देते हैं, 5 × 2 = 10, 5 × 25, इसको मैं 5/2 लिख सकता हूँ जो कि ऑप्शन दो में दिखाया गया है। अगला है 0.025 को प्रतिशत में व्यक्त करो, तो दशमलव जो भिन्न होती है उसको प्रतिशत में व्यक्त करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। हमारा यही प्रश्न बन जाएगा 2500 और 3 के बाद डेसिमल है तो आ जाएगा 2.5। तो यहाँ पर ये देखिए तीसरे वाले में पॉइंट नहीं लगा है, आप लगा लीजिएगा तो आपका आंसर तीसरा वाला सही होगा 2.5। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है निम्न श्रेणी का अगला पद क्या होगा, तो यहाँ पर अगला पद हमें देखना पड़ेगा 2 है, फिर 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, उसके बाद 13 दिया गया। इसका मतलब अगर ये देखी जाए ये सभी हमारी विषम संख्याएं हैं, तो इसका मतलब 13 के बाद जो विषम संख्या आती है वो होती है बच्चों 17। तो यहाँ पर अगली जो संख्या आएगी वो कितनी हो जाएगी बच्चों 17। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 17 जो कि ऑप्शन देखिए 4 में सही है। अगला प्रश्न है भाग के एक प्रश्न में भाजक 18 है, सॉरी 13 है, ये 13, भागफल 40 और भाज 527 है, तो शेषफल क्या होगा। तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो भाज्य है, भाज्य का मतलब कुल जो संख्या दी गई ये है आपकी भाज्य, ठीक है। तो ये भाज्य बराबर क्या होता है, तो भाज्य बराबर यानी आपका 527 बराबर भाज्य यानी भागफल कितना है देखिए 40 और भाजक कितना 13 से हमने भाग दिया, बाकी जो बचा होगा वो शेषफल रहा होगा। तो 527 बराबर 13 × 52 यानी ये 520 प्लस शेष हो जाएगा बच्चों, तो यहाँ से ये शेष फल निकालेंगे तो ये 527 में से 520 घटा देंगे तो आ जाएगा 7। इसका मतलब शेष फल कितना रहेगा बच्चों यहाँ पे 7 रहेगा जो कि ऑप्शन बी में सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है 75, एक आयत की लंबाई चौड़ाई से दोगुनी है, यदि आयत का परिमाप 150 मीटर हो तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। काफ़ी प्रश्न इस पर पूछे गए, तो आपको यहाँ देखिए चौड़ाई की दूनी है लंबाई, तो चूंकि अगर हम इसका जो चौड़ाई है वो हम x मान लेते हैं, क्या मान लें x, तो उसकी जो लंबाई होगी वो हो जाएगी 2x। अगर हम इन दोनों को जोड़ दें और उसका दोगुना कर दें तो क्या हो जाएगा उसका परिमाप, तो परिमाप होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर ये कितना दिया गया 150, ठीक है। तो 2 × 1 = 3 × 6 यानी 6x बराबर आ जाएगा 150, तो x बराबर बच्चों हो जाएगा 150/6। 6 से इसको हम लोग भाग कर देंगे, 6 × 12 = 6×5 = 30, 30 इसका मतलब इसकी चौड़ाई हो गई आपकी 25, ठीक है। तो लंबाई इसकी दूनी हो गई 50 और आयत का क्षेत्र होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, दोनों की गुणा कर देंगे तो 25/5 होता है 125 और बढ़ा लेंगे, इसका मतलब उस आयत का क्षेत्रफल होगा 1250 वर्ग मीटर जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। अगला प्रश्न आप यहां से 76 देखें, एक बस दिल्ली से देहरादून के लिए 10:10 प्रातः चली, यानी 10:10 पर ये ट्रेन बस चली होगी, यात्रा पूरी करने में 6 घंटे 10 मिनट लगा, तो बस देहरादून कितने बजे पहुंच जाएगी। इसका मतलब 10:10 पे चली और 6 घंटे 10 मिनट और इसमें हम जोड़ दें, इसका मतलब ये हो गया 16:20 पर पहुंचेगी। अब जो कि 12 के बाद तो इसमें से 12 घटा दें तो हमारा रियल टाइम निकल आएगा, तो 20 और ये 4 यानी 4:20 पे
ये ट्रेन जो बस है वो आपकी पहुंच गई होगी, तो यहाँ से ऑप्शन जो चार सही हो जाएगा। अगर हम अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, एक परीक्षा में 500 विद्यार्थी शामिल हुए, 250 उसमें उत्तीर्ण हुए, तो अनुत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत। बहुत आसान है बच्चों, देखिए 500 थे, 250 पास हो गए, 250 ही बचे, इसका मतलब 50% पास हुए और 50% फेल, क्योंकि आधे आधे बच्चे हैं, तो यहाँ से डायरेक्ट आप 50% मुंहजवानी लगा लीजिए। अगला प्रश्न समय और दूरी से है, राम के घर से उसके स्कूल की दूरी 15 किलोमीटर है, वह किस चाल से चले कि 3 घंटे में पूरा हो जाए। तो चूंकि चाल बराबर बच्चों होता है दूरी बटे समय, ठीक है। अब आप यहाँ से दूरी देख लें कितनी, 15 किलोमीटर और समय उसको 3 घंटे लगना है, 3 × 1 = 3, 3 × 5 = 15, अर्थात उसकी जो चाल है वो होनी चाहिए 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये देखिए आप सब, तीसरा वाला बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, किसी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई का 2/3 भाग है, यदि आयत का परिमाप इतना हो तो क्षेत्रफल बताएं। अभी अभी मैं आपको देखिए क्वेश्चन जस्ट मैंने अभी अभी कराया था बच्चों, ये देखिए आगे, ये देखिए 75, इसलिए ये आपको मैं घर के लिए दे रहा हूँ, इसका आप आंसर मुझे निकाल के कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। 5.25 को भिन्न के रूप में बदलिए। अब आप देखिए इसको, ये लिखा है 5, ये लिखा है आपका 5.25, इसको मैं लिख सकता हूँ 5 + 0.25, 5 पूरा है प्लस 0.25 को भिन्न में जरा बदलता हूँ, तो ये डेसिमल लगा, डेसिमल के नीचे 1 लिखेंगे, 2 जीरो बढ़ा लेंगे, डेसिमल हट गया, 25 से कम 25 = 100, तो ये हमारा ऊपर में लिख देता हूँ 5 + 1/4 बनेगा। आप इसको चपका के लिख दीजिए 5 सही 1/4, यानी 5 सही 1/4 इसका आंसर हो जाएगा, जो कि आपको चौथे वाले प्रश्न में देखने को मिल रहा होगा। तो चौथा वाला देखिए ये है, अगला है 81। अब आप 81 में भी इसी प्रकार से प्रश्न को कर सकते हैं, कैसे, यदि ये देखिए ये दिया गया है आपका यहाँ पे ये बॉक्स, ठीक है, तो ये बॉक्स क्या है, ये बॉक्स को निरूपित करता है 11, यानी जहाँ बॉक्स बना है उसको हम 11 मानेंगे, ठीक है। तो लिखा है 2 × बॉक्स बना, तो बॉक्स जगह हमें 11 लिखना है, फिर उसका होल स्क्वायर कर देना है, उसको भाग करना है किससे, 11 से। कम मान क्या होगा, बहुत आसान है, अब हम 11 दूनी हो गया 22, तो 22 को 2 बार गुना करना, यानी 22 का होल स्क्वायर बराबर है भाग 11, तो ये हो जाएगा हमारा 22 × 22 और भाग 11 है, तो 11 नीचे कर दो, 11 × 1 = 11, 22 तो 11 × 2 हो गया बच्चों 44, तो इसका मतलब यहाँ से आंसर इसका हो जाएगा 44, शायद आप जरूर समझ पा रहे होंगे। अगला प्रश्न है 8, 12, 20 और 36 का एलसीएम निकालो। एलसीएम आप निकाल लेते हो इसको, इसका आप एलसीएम जरूर निकालिएगा, और आप इसका एलसीएम निकालेंगे मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा। अगला है भिन्न 2/9, 4/3 और 1/6 का योग ज्ञात कीजिए। तो योग के लिए हमें क्या करना है, इसमें सबसे पहले 9, 3, 6 का अगर हम एलसीएम लेंगे बच्चों, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 18, ये आपको मालूम है, ठीक है। अब 9 से इसको भाग करें, 9 × 2 = 18, 2 × 2 = 4, हम जोड़ दे रहा हूँ डायरेक्ट, और फिर 3 से करेंगे 3 × 18 = 6 = 24 और 6 × 18 = 3 × 1 = 3, 24 + 28 = 31, इसका मतलब ये आ जाएगा 31/18, ठीक है। तो 31/18 ये दूसरा वाला आपका आ रहा है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन कोणों की माप अधिक कोण को दर्शाती है। तो अधिक कोण का मतलब होता है एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण कोई अधिक कोण हो, और एक अधिक कोण होने के लिए ये जो दोनों कोण है 90 डिग्री से कम होना पड़ेगा। तो अब हम देखेंगे जो 90 डिग्री से कम होगा, ये देखिए ये तो एक ही 90, दोनों 90 से ज़्यादा हैं, ये भी 90 ही हैं, ये 90 से ज़्यादा हैं, 40 और 30 मान लो, ये 40 है और ये 30 हो गया बच्चों, 40 × 30 = 70 होता है, और तीनों कोणों को 180 अंश होता है, तो 70 घटा दोगे तो आ जाएगा 110, 110 अधिक कोण होता है, किसी भी त्रिभुज में एक ही अधिक कोण हो सकता है, तो इसका मतलब 40 और 30 जिसमें दो न्यून कोण बनेंगे उसमें तीसरा कोण जो है अधिक कोण बनेगा। अगला प्रश्न, 15 व्यक्ति किसी कार्य को 18 दिन में कर सकते हैं, तो 9 दिन में उसी कार्य को करने के लिए कितने व्यक्ति लगाने पड़ेंगे।
इसके लिए मैं आपको फार्मूला बता चुका हूँ। इसके लिए सदैव आप याद रखिए कि इधर जितने भी आदमी हो M1D1 बराबर M2D2, ये प्रश्न मतलब हर उसमें लगेगा। तो 15 व्यक्ति हैं, मैन 15 लिख लिया, 15 इंटू कितने दिन में कर रहे हैं बच्चों, 18 दिन में, तो आप यहाँ 18 लिख लेंगे। और इक्वल टू कितने आदमी लगेंगे पता नहीं, तो मान लो M2 ही रहा, और कितने दिन में, 9 दिन में पूरा कराना है, तो आपको M2 बराबर ये 9 नीचे आ जाएगा इसके, मैं अलग अलग नहीं लिख रहा बार बार, 9 कम 9 दूनी 18, तो 15 दूनी 30, इसका मतलब 30 आदमी अगर लगाए जाएं तो काम 9 दिन में जो है पूरा हो जाएगा, वही काम, ऑप्शन 4। अगला प्रश्न है 86, उसे आप देखें। एक संख्या दूसरी संख्या से 12 कम है, मान लेते हैं हमारे पास एक संख्या बच्चों x है, तो दूसरी x उसमें 12 कम है, हमने कम कर दिया, तो दो संख्या, पहली संख्या हो गई x, दूसरी हो गई x-12, दोनों का योग, तो हमने दोनों को जोड़ दिया, कितना है 28, इसको 28 के बराबर बच्चों कर लीजिए, ठीक है। तो अब देखिए xx 2x हो गया, -12 बराबर ये हो गया हमारा 28। अब आप 2x बराबर करेंगे 28 और प्लस इधर आके 12 जुड़ जाएगा, तो ये हमारा देखिए हो जाएगा 40, 2x बराबर 40, तो x बराबर कितना आ जाएगा 20 बच्चों। तो एक संख्या हमारी क्या होगी, 20 होगी, तो उन संख्याओं का गुणनफल, तो संख्याएं क्या हैं, तो एक संख्या 20 होगी और दूसरी 8 होगी, क्यों, 28 दोनों को जोड़ है, 20 8 28, चौथा वाला बिल्कुल सही है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न है, एक घनाकार तालाब की गहराई क्या होगी यदि उसका आयतन इतना दिया हो। तो आयतन क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, चूंकि घनाकार है तो ये हो जाएगा भुजा की घात 3 बराबर 512, तो ये हो जाएगा भुजा यानी गहराई 512 का क्यूबिक रूट, और क्यूबिक रूट जब हम इसका करेंगे तो ये होता है 8 × 8 × 8, इसका मतलब कितना आएगा, 8 का एक जोड़ मतलब जोड़ा बनेगा, तो भुजा हमारी आ जाएगी 8 सेंटीमीटर या 8 मीटर जो भी यूनिट दी होगी, तीसरा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न है, दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है एवं उनका महत्तम समापवर्तक 15 है, तो उनका लासा क्या होगा। तो हम इन दोनों संख्याएं जरा मान लेते हैं, पहली संख्या बच्चों हो जाएगी 3x, दूसरी हो जाएगी 5x, तो हम इनका पहले लघुत्तम निकालते हैं 3 × x, और ये आ जाएगा 5 × x, दोनों गुणनखंड कर लिए, तो यहाँ से महत्तम समापवर्त बराबर दोनों में x का मान, तो x आ गया, इसका मतलब x की वैल्यू आपकी 15 है, तो संख्याएं अलग अलग निकाल लेंगे, पहली संख्या 3x, तो 15 × 3 = 45 आ जाएगा, दूसरी संख्या है 5x, तो 15 × 75, अब 75 और जो है 15 का लघुत्तम निकालिए, देखिए बड़ा हम काट रहा हूँ, 15 से कट रहा है, तो 15 × 3 = 45, 15 × 75, अब कट ही नहीं रहा है, तो ये हो जाएगा 15 × 3 × 5, 15 × 3 = 45, 45 × 5 होता है 225, तो यहाँ से अगर आप देखें 225 आपका आंसर मिल जाएगा। अगला है, अभाज्य संख्याओं का SCF क्या होता है। तो अभाज्य संख्या जैसे 3, 2 है, 5 है 7, इसमें कोई भी गुणनखंड कॉमन नहीं होता है एक के अलावा, ठीक है, तो उसका सदैव SCF कितना होता है 1, और अगर इनका LCM पूछा है तो उनका होता है गुणनफल। चलिए अगला प्रश्न है, 4 घंटियां एक साथ बजना प्रारंभ करती हैं एवं ये क्रमशः 2, 4, 6 और 8 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं, तो कितने सेकंड बाद पुनः बजेंगे, तो इसका मतलब कम से कम मुझे तो इसका LCM ही निकालना रहेगा। अगर आप LCM यहाँ से निकालते हो, देखिए 2, 4, 6 और 8 का, तो यहाँ से देखिए 2 से कट रहा है, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, 2 × 6 = 8 बच्चों, फिर 2 से काटेंगे, 2 × 1 = 2, 3 = 3, 2 × 2 = 4, अब कट ही नहीं रहा, तो इसका लघुत्तम समापवर्त बच्चों क्या हो गया, 2 × 2 × 3 × 2, तो 2 × 2 = 4, 3 = 12, 2 × 2 = 24, इसका LCM यानी 24 सेकंड के बाद पुनः बजेंगे, 24 सेकंड इसमें कोई आंसर नहीं आ रहा, तो 24 का मल्टीपल कर देंगे यानी 2 कर दीजिए, तो 24 × 2 = 48, यानी वो 48 सेकंड के बाद पुनः बजेंगे, तो यहाँ से तीसरा वाला सही हो जाएगा। हालांकि यहाँ पर इनको 24 आंसर देना चाहिए था, नहीं दिया कोई बात नहीं, लेकिन आप घबराइएगा नहीं। एक रेलगाड़ी की चाल 120 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 3.5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, तो दूरी बराबर ही फार्मूला होता है चाल इंटू समय बच्चों, ठीक है, तो चाल हो गई 120, समय था
समय आपके सामने अभी आपने देखा, तीन सही तो तीन दूनी छः, छः और एक सात, सात बटे दो गुणा कर देंगे, दो काट देंगे साठ, और साठ को छः सात से गुणा कर देंगे तो छः सतह बयालीस यानी 420 किलोमीटर की दूरी रही होगी, जो कि ऑप्शन तीसरे में आपको मिल रही है। अगला प्रश्न है, दशमलव की अवधारणा का उपयोग करके 26 किलो और 5 ग्राम का किलोग्राम में मान बताइए। अब आप देखिए इसको केजी बदलना है, तो 26 तो आपके पास ये केजी है ही, प्लस इसमें 5 ग्राम को, अब आपको मालूम होना चाहिए 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो इसको हम 1000 से भाग कर देंगे तो ये भी बदल जाएगा आपका केजी। अभी हो जाएगा 26 प्लस, अब तीन के बाद इसमें दशमलव लग जाएगा, तो इसका मतलब 5 1 2 यानी ये, तो इसको जब जोड़ोगे तो आ जाएगा 26.005 किलोग्राम, 26.005। दूसरा वाला ऑप्शन आपको देखिए ये दिखाई पड़ रहा है, तो आप थोड़ा सा बढ़िया ढंग से पढ़ के जाएं, 100% आप पेपर को करेंगे। एक टेबल को 16% के नुकसान पर इतने में बेचा गया है तो उसका लागत मूल्य क्या होगा। यहाँ पर आपके सामने दो चीज़ें दी गई हैं जिनको आप थोड़ा सा देख लीजिए। देखिए आपको अगर 3660 में बेचते हैं तो 16% का हानि होती है, तो मान लेते हैं कि ₹100 की चीज़ थी, तो ₹100 की थी, X का हम 16% जरा निकाल लिया और उसमें से हमने बच्चों घटा दिया, तब ये 3600 की देखिए बिकेगी। यहाँ तक कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए, यहाँ से कट रहा है तो काट भी सकते हो, 4 चक्कू 16, 4 से जरा काट दीजिए बच्चों, ऊपर 4 बचा और 4 दूनी 8, तो इसका मतलब ये आ जाएगा x माइनस 4x बटे 25 बराबर 3660। अब आप इसको थोड़ा सा हल कर लेंगे तो आ जाएगा 25x माइनस 4x बटे 25 बराबर 3660। अब ये 4 निकल जाएंगे, बचेगा 21, तो 21x बराबर, अब हम फिर यह गुणा कर लेंगे तो आ जाएगा 3660 इंटू 25, और x की वैल्यू निकालने के लिए हम इसको क्या करेंगे, 21 से कर देंगे भाग बच्चों। तो देखिए 21 ये चला जाएगा यहाँ से, और जैसे करोगे तो आपका 12 बचेगा, 2 और आ जाएगा 26 हो जाएगा, तो 21 छक्के लग जाएगा आपका, ठीक है, 126, एक जीरो था, जीरो बढ़ जाएगा, ये क्लियर हो गया। अब 160 आपके पास 160 है यहाँ, इसको गुणा कर देना है 25 से, तो जैसे ही आप इसकी गुणा करोगे देखो 0 आ जाएगा, 25 छक्का 150 आ जाएगा, 25 से कम 25 और 15 ये 40, यानी 4000 उसका क्रय मूल्य बच्चों होगा, तो आप क्रय मूल्य यहाँ देखिए 4000 मिल रहा है। अगला प्रश्न है, 12 लोग एक काम को 15 दिन में कर सकते हैं, उसी कार्य को 20 लोग कितने दिन में कर लेंगे। बिल्कुल ऐसे सवाल मैं आपको करा चुका हूँ, यानी M1D1 बराबर M2D2, 12 आदमी 15 दिन में कार्य कर रहे हैं, उसी काम को 20 आदमी कितने दिन में करेंगे। मान लो D2, तो D2 बराबर हो जाएगा 12 इंटू 15 बटे कर दोगे बच्चों 20, तो 5 तिहाई 15, 5 चक्कू 20, 4 एकम 4 तिहाई 12, 3 तिहाई 9, यानी 9 दिन में कार्य पूरा हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन ए में मिल रहा है। अगला प्रश्न, 2 अभाज्य संख्याओं का लघुत्तम कितना होगा, ये तो पहले आपको बता चुका हूँ, उनका गुणनफल। क्यों, कोई अभाज्य संख्या ले लो 11 और 13, अब आप काटोगे 11 को 11 से ही काट सकते हो, 13 तो कटेगा नहीं, फिर 13 से काटोगे तो उसका लघुत्तम कितना आ जाएगा, 11 इंटू 13। तो 2 अभाज्य संख्याओं का लघुत्तम सदैव गुणनफल और महत्तम सदैव 1 होता है, ये आप याद रखिएगा। अगला है, 2 संख्याओं का गुणनफल इतना यदि उनमें से एक इतनी हो तो दूसरी क्या होगी। मान लेते हैं पहली संख्या आपकी है 4.69 इंटू दूसरी x है, और बराबर कर देंगे 12.194, तो x बराबर अपान कर देंगे और डिसमल हटा लेंगे, ये दोनों बराबर हो गए, इसको आप भाग कर दीजिएगा, जो भी आंसर आएगा 96 में वही आपका रियल आंसर होगा। चलिए देखते हैं, तो यहाँ पर 2.6 आएगा, आप कर लीजिएगा, अगर नहीं आ रहा तो आप कमेंट हमें ज़रूर करें। अगला है, राहुल ने कुर्सी 600 रुपये में खरीदी और 800 उसकी मरम्मत पर लगाए, उसने 1000 का बेच डाला, तो उसे
प्रतिशत लाभ या हानि। तो देखिए, इसने कुल मिला के 600 की खरीदी, 200 रुपये और खरीदा मतलब लगाया, तो 600 में हम 200 और ऐड कर देंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको ये कुर्सी 800 की मिल रही है, यानी इसका ये क्रय मूल्य हो गया। अब विक्रय मूल्य अगर देखा जाए, सेलिंग प्राइस, ये 1000 रुपये है, तो इसको लाभ मिल गया 200 रुपये। ठीक है, अब बच्चों पूछ रहा लाभ होगा कि हाँ, पहली बात इसको लाभ होगा, ये तो आंसर होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं, यही होगा 25%। कैसे लगाओगे, 800 रुपये पर लाभ मिलता है 200 रुपये, तो एक पर हो जाएगा बच्चे 800 इंटू 100 करोगे, ये दोनों जीरो बच्चों कट जाएंगे। अब देखिए 8 × 16 = 8×5=40 अर्थात 25%। ठीक है, अगला प्रश्न आपका 98 है, उसे भी आप देख लीजिए। पिछले 30 दिनों में तापमान 15 डिग्री गिरता है, 30 दिन में 15 डिग्री, यदि तापमान की गिरावट इसी दर से जारी रहे तो अगले 10 दिन का तापमान कितने डिग्री गिरेगा। तो आप ये लिख सकते हो भैया, 30 दिन में टेम्परेचर गिरता है 15, तो एक दिन में कितना गिरेगा, 15/30 डिग्री, इसलिए अब अगले 10 दिन में कितना गिरेगा, आप यहाँ से कैलकुलेशन कर लीजिएगा, 3 × 1=3/15, यानी 5 डिग्री टेम्परेचर और गिर जाएगा। चलिए, दो सवाल और बचे, उन्हें मैं बता देता हूँ। चलिए अगला प्रश्न है, उस घनाकार जलाशय की गहराई क्या होगी यदि उसका आयतन, अभी मैं करा चुका हूँ, तो घनाकार तो उसका आयतन होता है भुजा क्यूब इक्वल टू 729 दिया गया, उसके बराबर कर दीजिए, ए बराबर हो जाएगा क्यूबिक रूट ऑफ 729, ये हो जाएगा 9 × 9 × 9 क्यूबिक रूट 3, तो यहाँ से 9 कॉमन हो जाएगा। इसका मतलब उसकी लंबाई चौड़ाई और गहराई जो है कितनी कितनी है, 9 है, तो यहाँ से 9 मीटर आ जाएगा। अगला प्रश्न है मूल्यांकन करें, ये प्रश्न हम आपको घर के लिए देते हैं, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पर देखिए, दो ये आपके क्या दिए गए, डिवाइड, तो आप इनको सबसे पहले डिवाइड कर लेंगे, पर करके नहीं आपको दिखाऊंगा, थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे दूंगा, 3 × 7 लिखिएगा, +4 लिखिएगा, -3 से आप भाग कर देंगे तो 3 × 2 = 6 आ जाएगा, -7 हो जाएगा, प्लस फिर 5 से आप भाग करेंगे तो 5 × 9 = 45, 9 × 4 = 49। अब आप गुणा करके प्लस वालों को एक साथ करके उसमें से माइनस वाले टर्म्स को इनको घटा लीजिएगा, जितना आंसर आए वही आपका उत्तर होगा, प्रतीक्षा रहेगी कि आप इसका आंसर हमें देंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, फिर मिलता हूँ एक आपको नई वीडियो के साथ।